इंदौर में एडवाइजरी का काम करने वाले तीन आरोपियों को हिमाचल पुलिस ने इंदौर पुलिस के संपर्क में आकर हिरासत में लिया। यहां पर उन्होंने बताया कि हिमाचल में लोगों ने कुछ लोगों के साथ ठगी की थी, उसी में हिमाचल पुलिस इंदौर पुलिस के संपर्क में आई और विजयनगर थाना क्षेत्र में इन तीनों की गिरफ्तारी कर ट्रांजिट वारंट पर हिमाचल लेकर गई। मामला यह है कि यहाँ के एडवाइजरी ये चल रही है इंदौर शहर में, वहाँ से जुड़े हुए लोग हैं, इन लोगों द्वारा जो कर्मचारी है वहाँ के कर्मचारियों द्वारा किसी हिमाचल प्रदेश के व्यक्ति के साथ में 2,50,000 की धोखाधड़ी की गई, जिस मामले में हिमाचल प्रदेश पुलिस ने इनको गिरफ्तार किया। और जो आरोपी है यौवन विश्वकर्मा और नरेश दीप, ये दोनों आरोपी नरेश और विनोद माली, ये जो तीनों हैं, ये तीनों आरोपियों को ट्रांजिट रिमांड पे पुलिस लेकर हिमाचल प्रदेश पुलिस लेकर गई है और वहाँ पे आगे जो कार्रवाई होगी वो पुलिस करेगी। किस तरह की धोखाधड़ी करी है? धोखाधड़ी ऑनलाइन ट्रांजेक्शन धोखाधड़ी है, ये डीमैट अकाउंट नाम के खुलवाने के नाम पे लोगों से पैसा लेते हैं और लेने के नाम पे ये उनसे धोखाधड़ी करते हैं। ठीक है, कितने लाख रुपए की धोखाधड़ी? 2,50,000। ठीक है, किसी हिमाचल प्रदेश के आदमी को इन्हें धोखाधड़ी में करा था डीमैट अकाउंट या एडवाइजरी की तरह? एडवाइजरी की तरह डीमैट में बनाकर उनको हिमाचल प्रदेश के व्यक्ति हैं कोई वहाँ के फरियादी, उनको उनसे धोखाधड़ी करी है, जिस मामले में उन्होंने वहाँ पे पीड़ित द्वारा FIR लिखवाई गई और वहाँ से हिमाचल प्रदेश को या पुलिस को यहाँ जानकारी लगी कि यहाँ एडवाइजरी चल रही है।